हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्ट फाइल। आई एम राजकुमार चौरसिया एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक वर्किंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आर यूज टू प्रिजर्व द डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक वेजिटेबल ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं खाना और जो है वेजिटेबल वगैरह को सही रखने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट जो है, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज़ ए हीट पम्प विच थ्रोज द हीट ऑफ द फूड टू बी कोल्ड टू द एटमोसफेयर बाय टेकिंग द पावर ऑफ ए कंप्रेसर। जो रेफ्रिजरेटर वो करता क्या है, कंप्रेसर के पावर का यूज करके जो हमारा खाना है उसके टेम्परेचर को वो बाहर सराउंडिंग में फेंकता है, ठीक है, जिससे कि हमारे जो खाना है वो ठंडा हो जाता है, ठीक। तो ये जो है बेसिक था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। नेक्स्ट है, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन VCRS, जो कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो VCRS साइकिल पे वर्क करता है। VCRS साइकिल का जो है एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाया हूँ, जबकि मैं पूरा फुल VCRS साइकिल का जो है वर्किंग इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे चार पार्ट होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवेपोरेटर, ठीक है। तो इसका पूरा वर्किंग मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेसिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो ये एक रेफ्रिजरेटर का जो है डायग्राम है, ठीक है, ये एक पिक्चर है रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर में होता क्या है कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पर इवेपोरेटर कॉइल होता है, इसके पीछे जो है हमारा कंडेंसर कॉइल लगा रहता है और कंडेंसर कॉइल को कैरी करते हैं ये वेंट फाइंस, ठीक है। जो जाली लगा रहता है वो इस कॉइल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। इससे ऊपर रहता है एक्सपेंशन डिवाइस। असली में जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो यहाँ पे रहता है अंदर में, मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। फ्रिज के जो नीचे पार्ट है वहाँ पे कंप्रेसर रहता है। तो वर्किंग कैसे देखें, सबसे पहले हम खाना को यहाँ पे रख दिए, खाने में से जो हीट है वो इवेपोरेटर कॉइल एब्जॉर्ब किया, इवेपोरेटर कॉइल जो है एब्जॉर्ब करके इवेपोरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, रेफ्रिजरेंट जो है इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया और कंप्रेसर के थ्रू होता हुआ कंडेंसर कॉइल में आया। कंडेंसर कॉइल में आने के बाद जो अपना हीट जो एब्जॉर्ब किया था यहाँ से उसको वो एटमोसफेयर में रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद जो एक्सपेंशन वाल्व में गया, एक्सपेंशन वाल्व में उसका प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये मैं पूरा जो साइकिल है इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छा से क्लियर होगा। तो एक्सपेंशन वाल्व से जो है फिर रेफ्रिजरेंट वो हमारा कहाँ जाएगा, इवेपोरेटर कॉइल में। तो इस पूरे साइकिल को हम VCRS साइकिल बोलते हैं। इसी VCRS साइकिल पे जो है हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो एक और फिगर है रेफ्रिजरेटर का, तो इसको भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं थोड़ा डीप में बताया हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है कूल फ्लूइड करता है, जो हमारा फ्लूइड है वो ठंडा रहेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। एक्सपेंशन वाल्व इसको बोलते हैं, इसमें जो है वार्म फ्लूइड रहेगा। और इसको कंडेंसर कॉइल बोलते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर वेपर रहेगा। कंप्रेसर पंप इसको बोलते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर वेपर आता है और ये इवेपोरेटर है। और यहाँ से जो भी हम खाने रखेंगे वो हीट जो है ऐसे एब्जॉर्ब करेगा हमारा इवेपोरेटर कॉइल, ठीक है। बाकी जो इसमें जो भी ये जैसे चीज़ें जैसे कूल कैसे है, यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये जो है हमारा रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। इसमें जो है कुछ इस तरीके से पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये लैम्प सर्किट है, ठीक है, जो फ्रिज में लाइट जलता है वो उसका सर्किट ये है, ठीक। दूसरा जो है ये कंप्रेसर वाला एरिया है। कंप्रेसर में जो है दो वाइंडिंग होगा, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये जो है क्या होता है, जो कंप्रेसर में जो मोटर यूज होता है वो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। तो ये उसका पार्ट है पूरा कंप्रेसर का। ये जो है क्या है, स्टार्टिंग कॉइल है। इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज होता है। इधर नीचे में जो है ऑयलर लगा हुआ है, जिसे हम ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले कहते हैं, ठीक है। ये एक थर्मल रिले होता है। तो वर्किंग इसका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने का थर्मोस्टेट से होता हुआ यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ये जो कॉयल क्या करेगा, जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है जो कि स्टार्टिंग कॉयल है, इसको क्लोज करके रखेगा तब तक जब तक कि हमारे कंप्रेसर का जो मोटर है वो
अपने फुल स्पीड का 70 से 80% स्पीड अटेन ना कर ले। जैसे ही वो 70 से 80% स्पीड अचीव करेगा, ये जो कॉयल है ये प्लंजर के थ्रू इसको नीचे की ओर खींचेगा और ये कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होगा, क्या होगा, फिर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हमारे रनिंग वाइंडिंग से अलग हो जाएगा और फिर जो पूरा का पूरा करंट है वो ऐसे कॉयल के थ्रू होते हुए, रनिंग वाइंडिंग के थ्रू होते हुए ऐसे फ्लो करेगा। नीचे जो है ऑयलर लगा हुआ है, ऑयलर क्या करेगा, अगर किसी भी कारण से फ्रिज में जो है एक हैवी अमाउंट का करंट आया या फॉल्ट करंट आया, तो उस कंडीशन में ये ऑपरेट होगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो जलने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑपरेट करता है। ऑयलर जो एक थर्मल रिले है, थर्मल रिले जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाई मेटेलिक स्ट्रिप टाइप स्विच और दूसरा होता है HG स्विच, जिसे हम मरकरी स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेजरमेंट का पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कभी। तो यहाँ पे जो लाइट सर्किट है वो कैसे ऑपरेट करता है, यहाँ पे एक स्विच होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही हम गेट को ओपन करते हैं ये स्विच ऑन हो जाता है, और जैसे ही हम गेट को बंद करते हैं ये स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये जो है कैबिनेट लैंप है जो कि फ्रिज में लगा रहता है, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई होता है फेज न्यूट्रल का। ये पूरा का पूरा जो है सर्किट है, आई होप ये सर्किट का जो है वर्किंग समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो ये जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।